सिविल इंतज़ामिया और कैंटोनमेंट बोर्ड्स और स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से सबसे पहले तो पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक और पाकिस्तान की इस 72 सालगिरह के ऊपर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा इसी तरह कायम और दायम रखे और इसको मज़ीद तरक्की दे और ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन दुगनी और रात चुनी तरक्की करे। इस 14 अगस्त के मौके के ऊपर जहाँ बाकी तकरीबात हो रही हैं और सेलिब्रेशंस हो रही हैं, इससे बेहतर और कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकती कि हम पाकिस्तान को ग्रीन और क्लीन बनाने का जो हमारा एजेंडा और मोटिव है उसको आगे लेके चलें। स्टेशन कमांडर साहब और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ उनकी ड्यूटी भी है वहाँ पे एक पैशन भी है कि वाकई चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सरसब दरख्त हो और ये ग्रीन हो क्लीन हो। और ये आज की एक्टिविटी नहीं हो रही है, आज से 6 महीने पहले जब स्प्रिंग सीज़न आया था तब भी एक्टिविटी हुई थी। उस वक्त शहर में कुछ 50,000 से ज़्यादा दरख्त लगाए गए थे और ये 50,000 सिर्फ कैंट ने लगाए थे, तो इतने ही 50,000 जो है वो सिविल इंतज़ामिया ने थ्रू PHA एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाए थे। शहर की हद की बात कर रहा हूँ, जो जंगलों में और बाकी जगहों पे काम हो रहा है वो अपनी जगह पर है। और उतना ही तकरीबन टारगेट हमने इस दफ़ा रखा है कि आपके इल्म है कि ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट है कि उसमें मोर्टेलिटी भी होती है, उसकी केयर भी करनी पड़ती है और गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसी स्पिरिट और कमिटमेंट के साथ काम करते रहे तो आप चंद सालों में देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान यकीनी तौर पे एक सरसब्ज पाकिस्तान होगा। सर ये बताइए कि रावलपिंडी डिवीज़न के हवाले से कितने दरख्त लगाने का आपका टारगेट है और कितने अब तक आपने टारगेट को अचीव किया है, कितना टारगेट अभी रखा है? जहाँ तक शहर का ताल्लुक है तो 1 लाख का टारगेट हम हर सीज़न में रख रहे हैं, इसमें से 50,000 स्टेशन हेडक्वार्टर लगाता है दोनों कंटोनमेंट बोर्ड्स में और बाकी सारी जगहों पर, और 50,000 PHA और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर लगाता है। कोशिश हमारी ये होती है कि ये पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और बड़े कदावर पौधे लिए जाएं। तो हमारे पास कुछ स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पर इतनी कोशिश होती है 4 से 6 फुट के पौधे लाएं और वो लग जाएं। जो पिंडी डिवीज़न है उसका सेपरेट है अंडर TBT के तहत, उसमें मिलियंस ऑफ प्लांट्स का टारगेट है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो मरी के अंदर जो है वो इन्क्लोजर्स की टेक्नोलॉजी वो चल रही है, जो आपका चकवाल अटक का इलाका है वहाँ पर ड्राई फॉरेस्टेशन चल रही है, तो उसको अलहदा से हम परसू कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। सर पब्लिक को कोई मैसेज इसी अवेयरनेस कुछ थोड़ी सी पब्लिक के लिए मैसेज? तो एक तो मुबारकबाद और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाना और तरक्की पे गामजन करना सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं पूरी कौम की जिम्मेदारी है। थैंक यू। और हमें मिल के ये करना चाहिए, लेकिन इस मौके से फ़ायदा उठाते COVID-19 के हवाले से भी कहूँगा कि COVID-19 अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, हमें एहतियात करनी चाहिए। इसके अंदर पोटेंशियल है वापस आने का, पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर वापस आ रहा है। तो मेरी अपने शहरियों से भाइयों से ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ जो COVID-19 के SOPs हैं, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसको ज़रूर फॉलो करें।